अच्छा बता, तेरी नई मैडम कैसी है? नई मैडम झकास है यार। क्या सच में? हाँ सच में। एक मिनट रुक, मैं अभी आया। करण, अमित तू यहाँ क्या कर रहा है? करण तू यहाँ क्या कर रहा है? मुझे ऑफिस से ट्रांसफर मिला है, पिछले 2 महीने से यहीं हूँ अपने वाइफ के साथ। अच्छा तो तूने शादी कर लिया और बुलाया भी नहीं? शिकायत बैठ के करना, तू चल मेरे साथ मेरे घर, तुझको तेरे भाभी से मिलाता हूँ। अच्छा चल। वो रहा मेरा घर, उधर रहता। निशा, ये मेरा दोस्त अमित। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते, अंदर आइए। आ बैठ। कहाँ मिले ये आपके दोस्त? अचानक ये मुझे रास्ते में मिला, मैं तुमसे इसे मिलाने ले चलाया, बोल रहा था शादी में बुलाया क्यों नहीं। अच्छा आप लोग बातें कीजिए, मैं पानी लेके आती हूँ। ओके। और यार तू कब शादी करेगा? भाभी जैसी कोई मिल जाए मैं शादी कर लूंगा। अमित आज डिनर हम लोग के साथ करना। नहीं यार, आज थोड़ा काम है, कल आऊंगा। पक्का ना? 100% पक्का। भाभी का हाथ का खाना जरूर खाऊंगा। और हाँ, भाभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी। अच्छा बेटा, भाभी से मिलकर अच्छा लगा, दोस्त से मिलकर नहीं? ऑफ कोर्स यार, तुझसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, पुरानी यादें ताजा हो गया। अच्छा करण, अब मैं चलता हूँ। ओके ओके, चल बाय बाय बाय। मुझे आपका दोस्त कुछ ठीक नहीं लगा। मतलब? आपने ये नोटिस किया कैसे मुझे घूर रहा था? पागल हो? कुछ भी अनाप शनाप बोलती हो, अमित वैसा इंसान नहीं है। मैं अमित को बचपन से जानता हूँ। मगर आप दोबारा ये फालतू की बात करना भी नहीं, निशा समझी? अच्छा मेरे पति परमेश्वर, जैसा आप कहें। लगता है अमित और नहीं आएगा, डिनर का टाइम तो हो गया। अच्छा है नहीं आएगा। अमित आ गया, मैं जाके दरवाजा खोलता हूँ। अरे यार कितना लेट करता है, हम लोग कब से तेरा वेट कर रहे हैं। रास्ता में ट्रैफिक था, अंदर बुलाएगा कि सारा बात यहीं कर लेगा? आ अंदर आ।
भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। ये आपके लिए। इसकी क्या जरूरत थी? छोटा सा गिफ्ट है मेरे तरफ से। थैंक यू। आप लोग बातें कीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। ओके। यार और बता, लाइफ में क्या चल रहा है? सब बिंदास, टेंशन फ्री। पहले खाना खा लीजिए, बाद में बातें करना। स्टार्ट कर। वाह भाभी जी, आज तो मजा आ जाएगा। निशा, अमित के लिए पानी ले आओ। अच्छा हुआ अमित तू मुझे मिल गया, वरना मैं इस शहर में किसी को जानता नहीं हूँ। मैं ऑफिस चला जाता हूँ और निशा बिल्कुल घर पर अकेली रहती है। ऐसा कोई बात नहीं है, मुझे अच्छा लगता है घर में अकेले रहना। तो फिकर मत कर यार, कुछ भी जरूरत पड़े मुझे याद कर। हाँ जरूर। ये ले अमित, तेरे लिए स्पेशल मंगवाया है। वाओ, तो देर किस बात का, बना दे पैक। हाँ जरूर। अच्छा निशा, तुम प्लेट को किचन पे रख दो, मैं थोड़ा देर में आता हूँ। ब्रो पी, ब्रो दारू पी। लगता है मुझे चढ़ गया। देख रही हो ना, कहो तो सोशल नेटवर्क पे वायरल कर दूँ। प्लीज प्लीज अमित, ऐसा मत करो, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। नहीं करूंगा, मगर एक शर्त पर। शर्त? कैसा शर्त? जब भी मुझे प्यास लगेगी
तो तुमको मेरा प्यास बुझाना पड़ेगा, समझी? हेलो डार्लिंग, इस बात कॉल क्यों किया? आज बहुत मन कर रहा है। करण अभी घर पे है, मैं अभी नहीं आ सकती। ठीक है रुको, मैं अभी कुछ बंदोबस्त करता हूँ। हेलो। हाँ अमित बोल, कैसे याद किया? क्या कर रहा है यार तू? संडे का दिन क्या करना, घर पे हूँ बैठकर। अच्छा, उस दिन पार्टी तूने दिया था, आज की पार्टी मेरे तरफ से। Why not? तो आजा फिर मेरे घर। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ शाम को तेरे घर। ओके चल ब्रो, बाय। अंदर आ। आ बैठ। क्या बात है अमित, आज तो तू टाइम पे आ गया। हाँ यार, आज बहुत मोट कर रहा था। निशा, निशा ग्लास और कोल्ड ड्रिंक्स और कुछ स्नैक्स। और दारू कहाँ है? आता ही होगा। आ गया। सामान ला दिया? लेकर आया। दे। पहले पैसे निकाल। कितना हुआ? 400 रुपया। ये ले 500 और निकल। ये ले।
दोस्ती के नाम पे तूने धोखा दिया। ये क्या बोल रहे करण तू? और निशा को क्या हुआ? अभी बताता हूँ क्या हुआ।